जी का कुछ अलग ही अवतार नजर आ रहा है, क्या हो रहा है ये सब? बिल्कुल, आज मैं घर अभी थक गया है आवाज निकालने का। आज मैं एक चुड़ैल बना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा बहुत डरावना सा मेकअप हो रखा है। अभी मुझे पता है मैं काफी खतरनाक लग रहा हूँ, और इनफैक्ट मैं इस मेकअप के साथ, अभी आपने मुझे पूरा मेकअप नहीं देखा है, इसमें मेरे प्रॉपर बाल हैं, उस पर हैट है, तो मैं प्रॉपर एक डायन टाइप लग रहा हूँ। हमने अपनी प्रेरणा ली है कॉन्ज्यूरिंग से। वहाँ उसमें जो एक कैरेक्टर थी, समथिंग वेरी सिमिलर। तो मैं अभी सेट पे यही पहन के घूम रहा था, और हमारे सेट पे कुछ जो लोग आते हैं हेल्पर्स, उनके कुछ ऐसे 5-6 बच्चे हैं, वो जो डर के भागे हैं मुझसे, और उन्होंने जो रोया है, मतलब मुझे उन पे दया भी आ रही थी, पर इतनी हंसी भी आ रही थी कि वो इतनी क्यूटली रो रहे थे, और उन्होंने सच में मान लिया था कि भाई ये इंसान कोई इविल इंसान ही है। तो मुझे बड़ा मजा भी आ रहा है ये करने में अभी। आई फील नाइस। मैं इसलिए बनाऊं क्योंकि हमारे जो सेठ जी हैं, उन्होंने दुकान पे और घर पे हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगा लिए हैं, और क्योंकि उन्होंने कैमरास लगा लिए हैं, और हम सबको बहुत दिक्कत हो रही है, बिकॉज हमारी हर मूव को जांचा परचा जा रहा है। क्योंकि अगर आपको पता है कि पिंटू और मैं, पिंटू लड़का मैं भी लड़का, अगर हमारे हर वक्त कैमरा रहेगा तो फिर हम कैसे कपड़े चेंज करेंगे, कैसे बाहर जाएंगे, क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला है इलायची जी के साथ बैठ के, कि शायद हमें चुड़ैल बन के सीसीटीवी कैमरा में नजर आना चाहिए, और किसी तरह से जो भी प्लॉट है उसमें हम कन्विंस करेंगे सेठ जी को कि सेठ जी आपको सीसीटीवी कैमरा निकलवाना पड़ेगा, नहीं तो हालत टाइट हो जाएगी। तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं अभी कि सेठ जी कन्विंस हो जाएं एक चुड़ैल को देख के, लेकिन देखते हैं कि वो कन्विंस होते हैं कि नहीं। पर आप पे नींबू भी निचोड़ा जा रहा है, तो क्या आप उसे को मतलब वो कैसे आप बच पाओगे वो? देखो, जो मैं आई एम दिस नेक्स्ट लेवल डायन, तो मैं बहुत ही पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ डायनिज्म में, तो मेरे पे नींबू अदरक ये सब चीज़ों का कोई असर होता नहीं है। तो बस कुछ बच्चे आए थे, ट्राई कर रहे थे कि ऐसे करके हमें भगा देंगे, लेकिन नहीं, हमने उन्हें वापस काट लिया। अगर आप स्क्रीन की बात किया जाए तो कितना टाइम लगा आपको ये पूरा गेटअप? बहुत, आई थिंक 1-1.5 घंटा लग गया, और क्योंकि ये वाइट बेस लगा हुआ है, सो यू नो इफ यू टच वाइट को तो एकदम से बाहर आ जाता है, एंड प्लस अगर उस कहीं से निकलता है सो इट्स वेरी विजिबल, इट्स वेरी एविडेंट, तो बार बार टचअप करना पड़ता है। और हाँ, बट मज़ा आ रहा है, जैसे कि कुछ नया कर रहे हैं ऐसे टाइम पास। तो फैंस को क्या बोलोगे? फैंस को मैं ये कहना चाहूँगा, प्लीज़, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कीप डूइंग द यूजुअल थिंग दैट यू बीन डूइंग, कीप वॉचिंग। जीजा जी छत पर है, सोनी टीवी पर, सोनी सब टीवी पर रात 10 बजे, और इस एपिसोड को ज़रूर देखें जैसे कि आप सारे एपिसोड्स को देखते हैं, और इसको भी बहुत इन्जॉय करें। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों को बताएं कि हमारा शो देखें, बिकॉज़ हमारा शो अच्छा है यार। चुड़ैल, चलो। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you जी का कुछ अलग ही अवतार नजर आ रहा है, क्या हो रहा है ये सब? बिल्कुल, आज मैं घर अभी थक गया है आवाज निकालने का। आज मैं एक चुड़ैल बना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा बहुत डरावना सा मेकअप हो रखा है, अभी मुझे पता है मैं काफी खतरनाक लग रहा हूँ, और इनफैक्ट मैं इस मेकअप के साथ, अभी आपने मुझे पूरा मेकअप नहीं देखा है, इसमें मेरे प्रॉपर बाल हैं, उस पे हैट है, तो मैं प्रॉपर एक डायन टाइप लग रहा हूँ। हमने अपनी प्रेरणा ली है कॉन्ज्यूरिंग से। वहाँ उसमें जो एक कैरेक्टर थी, समथिंग वेरी सिमिलर। तो मैं अभी सेट पे यही पहन के घूम रहा था, और हमारे सेट पे कुछ जो लोग आते हैं हेल्पर्स, उनके कुछ ऐसे 5-6 बच्चे हैं, वो जो डर के भागे हैं मुझसे, और उन्होंने जो रोया है, मतलब मुझे उन पे दया भी आ रही थी, पर इतनी हंसी भी आ रही थी कि वो इतनी क्यूटली रो रहे थे, और उन्होंने सच में मान लिया था कि भाई ये इंसान कोई इविल इंसान ही है। तो मुझे बड़ा मजा भी आ रहा है ये करने में अभी। आई फील नाइस। मैं इसलिए बनाऊं क्योंकि हमारे जो सेठ जी हैं, उन्होंने दुकान पे और घर पे हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगा लिए हैं,
और क्योंकि उन्होंने कैमराज लगा लिए हैं और हम सबको बहुत दिक्कत हो रही है, बिकॉज हमारी हर मूव को जांचा परचा जा रहा है। क्योंकि अगर आपको पता है कि पिंटू और मैं, पिंटू लड़का मैं भी लड़का, अगर हमारे हर वक्त कैमरा रहेगा तो फिर हम कैसे कपड़े चेंज करेंगे, कैसे बाहर जाएंगे, क्या करेंगे। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला है इलायची जी के साथ बैठ के, कि शायद हमें चुड़ैल बन के सीसीटीवी कैमरा में नज़र आना चाहिए और किसी तरह से जो भी प्लॉट है उसमें हम कन्विंस करेंगे सेठ जी को कि सेठ जी आपको सीसीटीवी कैमरा निकलवाना पड़ेगा, नहीं तो हालत टाइट हो जाएगी। तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं अभी कि सेठ जी कन्विंस हो जाएं एक चुड़ैल को देख के, लेकिन देखते हैं कि वो कन्विंस होते हैं कि नहीं। देखो जो मैं आई एम दिस नेक्स्ट लेवल डायन, तो मैं बहुत ही पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ डायनिज्म में, तो मेरे पे नींबू अदरक ये सब चीज़ों पे ये सब चीज़ों का कोई असर होता नहीं है। तो बस कुछ बच्चे आए थे, ट्राई कर रहे थे कि ऐसे करके हमें भगा देंगे, लेकिन नहीं, हमने उन्हें वापस काट लिया। बहुत आई थिंक 1-1.5 घंटा लग गया, और क्योंकि वाइट बेस लगा हुआ है, सो यू नो इफ यू टच वाइट को तो एकदम से बाहर आ जाता है, एंड प्लस अगर उस कहीं से निकलता है सो इट्स वेरी विजिबल, इट्स वेरी एविडेंट, तो बार बार टचअप करना पड़ता है। और हाँ, बट मज़ा आ रहा है, जैसे कि कुछ नया कर रहे हैं ऐसे टाइम पास। फैंस को मैं ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कीप डूइंग द यूजुअल थिंग दैट यू बीन डूइंग, कीप वॉचिंग जीजा जी छत पर है सोनी टीवी पर, सोनी सब टीवी पर रात 10 बजे, और इस एपिसोड को ज़रूर देखें जैसे कि आप सारे एपिसोड्स को देखते हैं, और इसको भी बहुत इन्जॉय करें। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों को बताएं कि हमारा शो देखें, बिकॉज हमारा शो अच्छा है यार। okay, चुड़ैल चलो। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are.